जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान मोक्ष का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको व्रत के बारे में। व्रत हम अधिकतर सभी करते हैं, कोई सोमवार का, मंगलवार, बुधवार का, या एकादशी, द्वादशी, सोम प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, कोई दीपावली या होली का भी करता है, पूर्णिमा, अमावस्या। हर वर्ष में काफ़ी व्रत आते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ व्रत और उपवास। कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने उपवास रखा है, कभी लोग कहते हैं उन्होंने व्रत रखा है। तो इसका अंतर सिर्फ इतना होता है कि व्रत में आप भोजन ग्रहण करते हैं, उपवास में आप भोजन ग्रहण नहीं करते, उसमें आप सिर्फ जल ग्रहण करते हैं। तो एक अवधारणा रही है कि भूखा रहने से व्रत होता है, कोई जरूरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि बिना शास्त्र के जाने, अगर शास्त्र विपरीत व्यक्ति कोई कर्म करता है, व्रत करता है, अपने शरीर को सुखाता है, तो मतलब मेरे को ही पीड़ा देता है। इसलिए व्रत को नियम से करना चाहिए। भूखा रहने से कोई भी व्रत सिद्ध नहीं होता, कोई भी प्रभु की प्रसन्नता हाथ नहीं लगती, क्योंकि हम सभी जानते हैं आत्मा में परमात्मा का वास होता है। यदि हम खुद को भूखा रखते हैं तो भगवान को पीड़ा होती है। पहले लोग, ऋषि मुनि हमारे जो थे, वो धीरे धीरे अभ्यास करते थे भूखा रहने का। उनके पास मंत्र भी होते थे, भूख प्यास नींद ना ही आए, इससे भोजन इसलिए भी नहीं करते थे कि इससे निद्रा आलस्य उत्पन्न होता है इसलिए। लेकिन समय बदल गया है, कलयुग आ गया है, तो भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। किसी को प्राइवेट जॉब है, किसी को सरकारी जॉब है, किसी को कहीं ना कोई बिजनेस का काम है, कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है। तो ये शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, तो भूखा रहना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप अभ्यास कर चुके हैं, यदि आप निरंतर अभ्यास कर चुके हैं तो आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन जानबूझकर अपनी काया को दंड देना, शरीर को सुखाना भी गलत है। आप भले ही महीनों सालों भूखे रह जाएंगे तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको व्रत में ऐसा क्या करना चाहिए कि प्रभु की प्रसन्नता आपको हाथ लगे, आपके जो मनोकामना हो पूर्ण हो। तो व्रत में आप किसी भी देवी देवता का व्रत करते, किसी भी वार का व्रत करते, एकादशी हो, द्वादशी हो, सोम प्रदोष व्रत हो, कोई सा भी व्रत हो, कोई से भी वार का व्रत हो, तो आपको सर्वप्रथम किसी भी देवालय में, मंदिर में जाकर संकल्प लेना होता है। दाहिने हाथ में जल लीजिए और आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी गोत्र आदि का नाम लेकर संकल्प लेके आपको उसको सह नियम करने की संकल्प लेना होता है कि मैं इतने वार तक, इतने दिनों तक करूँगा, और उसके बाद मैं उद्यापन विधि करूँगा। हर व्रत की उद्यापन विधि होती है। अगर आप मान लो, कई लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही करते आ रहे हैं, वो उद्यापन विधि नहीं करते, तो उनको उस चीज़ का फल, उस व्रत का फल नहीं मिलता। पहली चीज़ है ये। तो व्रत अगर आप करते आ रहे हैं तो आपको 11, 21, 51 कभी भी ये पूरा हो जाए तो आपको उद्यापन विधि अवश्य कराना चाहिए। उद्यापन हर वार की उद्यापन विधि अलग अलग होती है। और व्रत में भूखा रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप दोनों समय भी भोजन कर लीजिए, भगवान बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। व्रत में जो किया जाता है जिससे हमको संपूर्ण फल मिले, वो सुनिए। पहला है, व्रत में सत्य बोलना ज़रूरी है। यदि आप व्रत करते हैं तो आपको सत्य बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। दूसरा, चुगली आपको नहीं करनी।
इससे भगवान रुष्ट होते हैं, इससे माँ लक्ष्मी सबसे ज्यादा रुष्ट होती है। तीसरा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, स्त्री के प्रति विचार, गंदे विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए, और स्नान शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए, यानी इस तरीके की आप शुद्धि ग्रहण कर सकते हैं। जमीन पर सोना होता है, जमीन पर आप बिस्तर लगाकर सो सकते हैं। भोज्य पदार्थों में आप फल फ्रूट ग्रहण कर सकते हैं, लहसुन प्याज के अतिरिक्त। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप लहसुन प्याज मत खाइए, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। जितना मौन रहेंगे उतना ही फल, उतना ही व्रत का फल आपका फलीभूत होगा, ज्यादा मिलेगा। व्रत वाले दिन यदि आप प्राणायाम करते हैं, प्राणों का आयाम, सांस को अंदर रोकते हैं, सांस को बाहर रोकते हैं, जैसी स्थिति है उस तरीके में रोकते हैं, कुंभक रेचक करते हैं, तो उससे भी आपको करोड़ों गुना फल उसका मिलता है। व्रत वाले दिन अगर आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो उसका भी आपको अद्भुत फल मिलता है। हर शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में तपस्या की भी आवश्यकता नहीं है, जप की भी आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी गुना फायदा मिलेगा। व्रत को और आपको संपूर्ण करना है तो व्रत के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। कोई ना कोई वस्तु, वस्त्र, अन्न, जल, फल, सब्जियां दान कीजिए, अद्भुत फल मिलेगा आपको। तो व्रत वाले दिन, दिन में सोना भी वर्जित है, नहीं सोना चाहिए, भगवान विष्णु नाराज होते हैं। व्रत वाले दिन दोपहर में यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको आपको भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। कहा जाता है देवी भागवत महापुराण में, शिव महापुराण में लिखा गया है, दोपहर में जो भी भिक्षुक आता है तो वो भगवान विष्णु के समान माना गया है, तो वो अगर वो भूखा जाता है तो समझ लो आपके सारे पुण्य लेके चला जाता है और अपने सारे पाप दे के चला जाता है, ये शास्त्र वर्णित है। व्रत वाले दिन नवदा भक्ति आप कर सकते हैं, अद्भुत लाभ मिलेगा। व्रत वाले दिन आपको जागरण करना चाहिए, अत्यधिक लाभ मिलेगा। सत्संग आप कर सकते हैं, भगवान की कथाएं आप सुन सकते हैं, अद्भुत लाभ मिलेगा। ऐसा करके देखिए, आप भूखा रहकर व्रत करते हैं, कोई एक समय का करता है, कोई एक दिन खाना भी नहीं खाता, जल जल का कर लेता है, कोई बिना जल का भी करता है, तो एक तो ये व्रत है और एक इस तरीके का व्रत करिए। भगवान की कथाओं को सुनिए, सत्संग करिए, झूठ मत बोलिए, जितना हो सके उतना मौन रहिए, ध्यान करिए, दान करिए। जब ऐसा आप करने लग जाएंगे तो आपको व्रत का बहुत ज़्यादा फल आपको मिलने लग जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे भी प्रभु की प्रसन्नता अत्यधिक मिलती है। काले नीले वस्त्रों का त्याग करना चाहिए व्रत वाले दिन, ये नहीं पहनने चाहिए, पीला, लाल, लाइट कलर आप पहन सकते हैं, डार्क नहीं पहनना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा की जाती है, गायों को, चींटियों को, कबूतरों को, मछलियों को, इनको आप आटा डालिए, अद्भुत फायदा आपको मिलेगा। कौवे को भी आप रोटी डाल सकते हैं, सांड को भी आप गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, इससे आपके जो भी अतृप्त पितर हैं वो तृप्त होंगे। यदि आप क्रोध करते हैं तो आपका व्रत नष्ट हो जाता है, यदि आप झूठ बोल दिया तो भी व्रत नष्ट हो जाता है, स्त्री के संपर्क में आ गए तो भी व्रत नष्ट हो जाता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए।
जितना शुद्ध आप रहेंगे और ईर्ष्या, अगर हम किसी से हम नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो भी हमारा व्रत नहीं लगता। तो ये कुछ साधारण नियम है, आप इनको अपनाइए। भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्रत में कोई पाप नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप अगर व्रत करते हैं तो इस तरीके से भी आप करके देखिए, फिर आप फल देखेंगे, आपको अद्भुत मिलेगा। उद्यापन विधि भी करनी चाहिए, हर व्रत की अपनी अपनी उद्यापन विधि होती है, वो आगे आने वाली वीडियो में कभी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसी वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी ज्ञानवर्धक। तो फिर मैं चलता हूँ, आगे फिर मिलूँगा आपसे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।